का रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था, इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत के वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। साथियों, यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। उसको क्या पता था कि हां, उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय वीरों ने टैंकों से लैस दुश्मन के सैनिकों को धूल चटा दी, उनके मंसूबों को नेस्त नाबूद कर दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि कुलदीप जी के माता पिता ने उनका नाम कुलदीप भले रखा था, उनको लगा होगा ये कुल का दीपक है, लेकिन ओ कुलदीप जी ने अपने पराक्रम से उस नाम को ऐसे सार्थक कर दिया, ऐसे सार्थक कर दिया कि वे सिर्फ कुलदीप नहीं, वे राष्ट्रदीप बन गए, राष्ट्रदीप बन गए। साथियों, लोंगेवाला का वह ऐतिहासिक युद्ध भारतीय सैन्य बल के शौर्य का प्रतीक तो है ही। थल सेना, बीएसएफ और वायु सेना के अद्भुत कोऑर्डिनेशन का भी प्रतीक है। इस लड़ाई ने दिखाया है कि भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएगा। अब जब सन 71 में हुए युद्ध के, लोंगेवाला में हुई लड़ाई के 50 वर्ष होने जा रहे हैं, कुछ ही सप्ताह में हम इसके 50 वर्ष इस गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ को हम मनाने वाले हैं। और इसलिए आज मेरा मन यहां आने को कर गया है तो पूरा देश अपने उन वीरों की विजय गाथाएं सुनकर वो गौरवान्वित होगा, उसका हौसला बुलंद होगा। नई पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां इस पराक्रम के साथ प्रेरणा भी लेने के लिए ये अवसर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बनने वाला है। ऐसे मान पर गर्व करती रहेगी। साथियों, हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू के ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। आप में से अनेक साथी अगर आज यहां रेगिस्तान में डटे हैं तो आपको
हिमालय की ऊंचाइयों का भी अनुभव है। स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, आपका पराक्रम, आपका शौर्य अतुलनीय है। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी एहसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं है। आपके इसी शौर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है। उन्हें आपकी अजेयता पर, आपके अपराजेयता पर गर्व है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है, न अब टोक भी सकता है। साथियों, दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। अगर आज का दृश्य देखें, भले ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों ना आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों ना गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। साथियों, जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है।